हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल स्टडी टिप्स। आई होप कि आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी और चलनी भी चाहिए। एक बहुत बड़ी अपडेट आ गई है, एसएससी जीडी कांस्टेबल 2021 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। आज से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। उससे पहले आपको बता दें कि आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है, जिसमें मैं एसएससी जीडी कांस्टेबल से रिलेटेड हर एक कंफ्यूजन को आपका खत्म करूंगा। एसएससी जीडी वैकेंसी का इंतजार करने वाले अभ्यर्थियों के लिए इंतजार की घड़ियां हुई समाप्त। फाइनली नोटिफिकेशन आ गई है, आज से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। जल्दी से जाएं एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर और फॉर्म को जल्दी जल्दी भर के अपने प्रिपरेशन को एक नए आयाम की ओर लेकर चले। तो उससे पहले मैं पूरी की पूरी जानकारी आप लोगों को देने के लिए आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ। एसएससी जीडी 2021 नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है, जो कि आज 17 जुलाई 2021 से इसके फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं। जानते हैं इसके बारे में हर कुछ और चलते हैं, करते हैं अपने वीडियो को स्टार्ट। आपको एसएससी जीडी का जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है, वो आपको एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर वहां से डाउनलोड करके आप इसे देख सकते हैं, नहीं तो इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। चलिए देखते हैं कि 25,271 पोस्ट के लिए वैकेंसी आ गई है और वैकेंसी और भी बढ़ने के 100% चांसेस है, क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारे जो रिक्रूटमेंट एजेंसी हैं वो अपनी वैकेंसी अभी तक रिलीज नहीं किए हैं। एसएससी जीडी में आपको अगर फॉर्म भरेंगे तो किस किस डिपार्टमेंट में आप जॉब पाने के एलिजिबल होंगे, तो चलिए देखते हैं। इसमें होता है दो तरह के, जनरल ड्यूटी और जनरल ड्यूटी राइफलमैन में, ठीक है। तो देखिए, इसमें आप भर सकते हैं बीएसएफ को, सीआईएसएफ, CRPF, ITBP, SSB, NIA, SSF और जो राइफलमैन के लिए होता है असम राइफल, इसके इसमें एलिजिबल होते हैं। तो आपको जो जब आप फॉर्म भरेंगे तो आप प्रायोरिटी दे सकते हैं सबसे पहले NIA को, उसके बाद SSB को, SSF को, उसके बाद CISF को, फिर BSF को, CRPF, फिर ITBP। तो इस तरह से आप प्रायोरिटी चूज कर सकते हैं और असम राइफल को भी आप एक अपने टॉप प्रायोरिटी में रख सकते हैं। तो ये तो रहा बात कि कौन कौन सी एजेंसी एग्जाम लेती है और किस किस एजेंसी में आपको जॉब मिलेगी। तो ये अगर आप एसएससी जीडी एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं तो रैंक के हिसाब से आपको इन एजेंसीज में जॉब मिलेंगी। और आप अपने देश का जो सेवा करने के लिए, अगर आपका एक डिजायर है कि अपने देश की सेवा करने के लिए, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है। एक नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है, 25,271 पोस्ट पर आप एलिजिबल हो सकते हैं। तो देर नहीं करना है, पढ़ाई करना है। पढ़ाई करने से पहले आप जाकर जल्दी से ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और आज से फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं, वहां पर फॉर्म भरें। और फॉर्म अगर भरने में दिक्कतें आ रही हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, स्टेप बाय स्टेप मैं फॉर्म भरना भी आपको बता दूंगा। तो चलिए देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट डेट्स, यानी कि 16 जुलाई 2021 को इसकी नोटिफिकेशन अपडेट आ चुकी थी। कल के डेट में आज से एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा 17 जुलाई 2021। और कब तक आप भर सकते हैं? तो 31 अगस्त तक, 17 जुलाई से 31 अगस्त तक। तो आपको लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है, जल्दी से जल्दी फॉर्म भर के ये टेंशन को आपको खत्म करके अपने पढ़ाई को जोर देना है, अपनी पढ़ाई पर जोर देना है, सारे सिलेबस को कवर करके टेस्ट देने हैं। तो आपके पास अभी बहुत टाइम है, आप आराम से प्रिपरेशन करके अपना एक जॉब सिक्योर कर सकते हैं और देश की सेवा में समर्पित हो सकते हैं। चलिए देखते हैं, 31 अगस्त तक तो आप एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। अगर आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा है तो 2 सितंबर तक आप ऑनलाइन पेमेंट यहां पर डाल सकते हैं, ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट सबमिट कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट किसी कारणवश सबमिट नहीं कर सकते हैं, कर पाए तो आप 4 सितंबर तक ऑफलाइन चालान वहां से जनरेट करवा सकते हैं और 7 सितंबर तक आपको चालान के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। तो ये तो रही बात कि किस किस डेट पर आप फॉर्म भरेंगे, उसके बाद किस डेट से लेकर किस डेट तक आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, पेमेंट कब कर सकते हैं, ऑनलाइन जो ऑफलाइन चालान कब जनरेट करवा सकते हैं, उसके थ्रू पेमेंट कब कर सकते हैं, तो ये पूरी लिस्ट आप देख लीजिए। देखिए, इसके बाद आप जब फॉर्म भर देंगे तो आपको एक जानकारी होना चाहिए मोटा मोटी कि मेल कैंडिडेट्स के लिए कितना वैकेंसी आया है और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कितनी वैकेंसी है। तो मेल कैंडिडेट्स में ऑब्वियस है कि इसकी वैकेंसी ज़्यादा होंगी, है ना। तो देखिए, इसमें बीएसएफ ने अपनी वैकेंसी रिलीज कर दी है जिसमें टोटल 6413 वैकेंसी है, सीआईएसएफ का 7610 है। मेल कैंडिडेट्स की बात कर रहे हैं, सीआरपीएफ ने अभी अपनी वैकेंसी रिलीज नहीं करी है। जब अपनी वैकेंसी रिलीज करेगा तो वैकेंसी ज़्यादा होने के चांसेस
हो जाते हैं 100%। एसएसबी ने 3806 वैकेंसी रिलीज किया है, आईटीबीपी 1216 और असम राइफल्स 3185। फिर आप देखिए एनआईए ने भी अपनी वैकेंसी अभी रिलीज नहीं करी है, उससे भी वैकेंसी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने के चांसेस है। एसएसएफ 194 पदों पर ये वैकेंसी रिलीज किया है। तो टोटल जो वैकेंसी है, तो ये पूरी लिस्ट रही मेल कैंडिडेट्स के लिए कितनी वैकेंसी है। एनआईए और सीआईएसएफ ने अभी वैकेंसी अपनी रिलीज नहीं करी है, ये वैकेंसी जब रिलीज करेंगे तो वैकेंसी बढ़ जाएंगे। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कितनी वैकेंसी है, बीएसएफ ने 1132 पदों पर फीमेल कैंडिडेट को रिक्रूट करेगी, सीआईएसएफ 854 पदों पर, सीआरपीएफ यहां भी वैकेंसी रिलीज नहीं किया है, एसएसबी ने फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी वैकेंसी रिलीज नहीं किया है, एनआईए ने भी वैकेंसी रिलीज नहीं किया है। तो आप पीडीएफ को डाउनलोड करके यहां से इन सारे फैक्ट्स को, इन सारे वैकेंसी डिटेल को आप देख सकते हैं। आज एसएससी जीडी के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए, तो हर कोई को पता है कि अगर आप 10th पास हैं, 10th पास होकर आप कितने भी, मतलब 10th के बाद आप किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई, 10th अगर पास किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, इसके लिए आप एलिजिबल हैं। और आप प्रिपरेशन करके आप बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसएफ, एसबीए, एसएसबी, एनआईए और असम राइफल में आप एक जॉब पाने के लिए आपके पास एक सुनहरा मौका आ गया है। आप जल्दी से जल्दी फॉर्म भर दीजिए, नहीं तो क्या होता है कि लास्ट में फॉर्म भरने के कारण लास्ट में फॉर्म भरेंगे उसके बाद क्या होता है, वेबसाइट जो होता है वो थोड़ा सा क्रश कर जाता है, जिसके कारण जो फॉर्म भरने में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है। तो आप अभी जाएं, आज या कल तक में फॉर्म भर के इस टेंशन को खत्म कर दे पूरी तरह से। अगर आप फॉर्म भरने से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी जो आप कमेंट बॉक्स में इसको पूछ सकते हैं, मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना दूंगा। एसएससी जीडी का एज लिमिट इस बार क्या होगी, तो एसएससी जीडी का जो एज लिमिट है जनरल कैंडिडेट के लिए 18 से लेकर 23 साल तक, ठीक है। जनरल कैंडिडेट के लिए अगर आप एसएससी जीडी का एग्जाम देना चाहते हैं, इसके फॉर्म भरने चाहते हैं, तो आपकी एज होनी चाहिए 18 से 23 साल, ठीक है। और उसके बाद कुछ एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है गवर्नमेंट के थ्रू, गवर्नमेंट के लिए गवर्नमेंट जो है कुछ एज रिलैक्सेशन दिए हुए हैं। तो उन एज रिलैक्सेशन को किस किस कैटेगरी में कितना एज रिलैक्सेशन है, तो आप यहां से देख सकते हैं। ओबीसी जो का जो मैक्सिमम एज है वो है 26 साल, यानी कि 3 साल का एज रिलैक्सेशन ओबीसी को दिया गया है। एससी एसटी 28 साल, यानी कि उसका एज रिलैक्सेशन 5 साल है। तो आप इस लिस्ट को पूरा देख लीजिए, कौन से कैटेगरी में आप आते हैं उसके हिसाब से इस लिस्ट को देखकर अपने एज लिमिट को आप अपने जान लीजिए कि आप कितने एज तक इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं और आप जॉब पा सकते हैं और देश की सेवा में आप समर्पित हो सकते हैं। अगर आपका सपना है देश की सेवा करना, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट आ गई है। एसएससी जीडी ने नोटिफिकेशन आउट कर दिया है, कल के डेट में आज से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। एसएससी जीडी 2021 का ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको कैसे भरना है, तो आप एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, ssc.nic.in पर जाकर वहां पर अप्लाई वाले बटन को क्लिक करके जीडी कांस्टेबल पर जाकर पूरे जितने भी क्रेडेंशियल होंगे उसको भरकर फोटो वगैरह लगाकर अपलोड करके वो आप वहां पर सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद आपको ऑनलाइन फी पेमेंट करना होगा। जनरल कैंडिडेट के लिए कितना फी है, 100 रुपीज़, और ओबीसी के लिए भी 100 रुपीज़ है। और फीमेल एससी एसटी एक्स सर्विसमैन को कोई फी नहीं लगेगा, उनको कोई फी नहीं लगेगा एग्जाम को, इस फॉर्म को भरने के लिए। तो ये रही बात कि किस डेट से लेकर किस डेट तक ऑनलाइन एप्लीकेशन आप डाल सकते हैं, किस किस डिपार्टमेंट के लिए आप एलिजिबल होंगे। अगर आप जिस तरह का आपका रैंक आएगा उस तरह का आपको डिपार्टमेंट मिलेंगे। तो कितने डिपार्टमेंट इसके थ्रू, एसएससी जीडी के थ्रू कितने डिपार्टमेंट में आप जॉब पा सकते हैं, मैंने सारे के बारे में बात किया, किस तरह से ऑनलाइन इसका एज लिमिट क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, 10th पास, तो हर कुछ मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया। और इसका जो आप एग्जाम देंगे, तो इसके एग्जाम, इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो 4 चरणों में होता है। पहला होता है सीबीटी टेस्ट, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड रिटेन एग्जामिनेशन होता है। उसके बाद होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, और लास्ट में होता है मेडिकल टेस्ट। आप इन सारे चरणों को जब पास कर जाएंगे, क्वालिफाई कर जाएंगे, तो आप एसएससी जीडी के थ्रू एक जॉब पा लेंगे, ठीक है, और देश की सेवा में आप समर्पित हो जाएंगे। तो यही रहा आज का, ये जो रहा इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड जितनी जानकारी हो सकती थी वो मैंने आपको बता दिया। अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने में दिक्कतें आती हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए,
मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना दूंगा और आप आसानी से एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। इससे रिलेटेड इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, इसका सिलेबस क्या है, कौन से बुक्स को पढ़ना है, किसका टेस्ट देना है, इसकी भी जानकारी आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, आपके लिए SSC GD की पूरी तैयारी इस चैनल पर कराई जाएगी, जिसमें कि मैथ्स, रीजनिंग, GK GS और इंग्लिश के सारे सब्जेक्ट्स के तैयारी आपको कराई जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहते हैं, अगर आप हमारे चैनल को इसी तरह से सपोर्ट और प्यार बनाए रहते हैं तो हमारे चैनल पर आप लोगों के लिए वीडियोज जल्दी ही स्टार्ट अपलोड किया जाएगा, जल्दी ही आपको अपडेट दिया जाएगा। आप हमारे चैनल को शेयर करें, लोगों को बताएं, लोगों के बीच में बताएं, अपने दोस्तों को बताएं, जो भी SSC GD का जो फॉर्म भर रहे हैं उसको बताएं कि यहाँ पर बहुत ही अच्छा उत्तम क्वालिटी का एक उम्दा क्वालिटी का कंटेंट आप लोगों के लिए लाया जा रहा है। करेंट अफेयर सवेरे होता है और GK GS से रिलेटेड वीडियो भी जल्द अपलोड करा जाएगा। तो तब तक के लिए आप सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर दीजिए, क्योंकि कभी भी एग्जाम हो सकता है और जब एग्जाम हो जाएगा तो एक सीट आपको चाहिए, उसके लिए आपको बहुत ही सीरियसली पढ़ाई करनी होगी। जय हिंद, जय भारत।